गुड क्लाउडी आफ्टरनून एंड अ वेरी वॉ वेलकम टू द ब्लैक होल ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की डिफॉरस्टेशन वसाइल की नाकदरी और ना जाने क्या क्या कुछ इस सारे पस मंज़र में शायद ज़रूरत है कि हम एक लम्हे के लिए ठहरें सेल्फ 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 इंट्रोस्पेक्ट करें और सोचें कि हम हमारा जो ताल्लुक़ या बंधन है नेचर या अपनी इन्वामेंट के साथ वो क्या अच्छे खतूत पर है या नहीं और मेरा ख्याल है कि वक्त है कि हम उसकी जानब सुलह का हाथ बढ़ाएँ इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तु है आप उनवान मेरी पुष्ट पे देख सकते हैं सिस्ट, सिस्टरहुड विद नेचर वीमन्स कनेक्शन टू द एनवायरनमेंट तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कनेक्शन वीमेन शेयर विद नेचर एंड वी विल अनकवर इट्स सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लिकेशन फॉर प्लेनट्स वेलबींग और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर Uh, मेरे दाएं जानब तशीफ़रमाया सदफ़ रज़ा आप शायरा हैं और हसास दिल रखती हैं लिहाजा वीमेंस एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ माहौलिया के बारे में भी गुफ्तु करती हैं दाएँ जानब मौजूद हैं कैसरा सदीक जो आज के सेशन की निज़ामत की जिम्मेदारी निभाएंगी। आप रिसर्चर हैं इन इन्वायरमेंटल स तो आप लोग अपने सेलफोन्स जो प्लीज़ सैलेंट मोड में कर दें ताकि हमारी सारी तोज़ो जो है आज की इस इतनी अहम गुफ्तु पर हो सके गुफ्तु में आप भी शरीक होइएगा जब हाउस ओपन ऑफ फॉर क्यू एंड ए ताकि ये एक इंगेजिंग सेशन बन सके प्लीज़ वेलकम सदफ़ एंड कैसरा थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आफाक सबसे पहले तो आपको टी वी एस में खुश आमदी कहते हैं और आप सबको भी और आज के इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपका कुछ तारफ़ तो आफात ने करवा दिया मेरे लिए जो बहुत अहम तारफ है आपका वो ये है कि आपके साथ मेरा उस्तादी शगर्दी का ताल्लुक है और उससे बड़ा ताल्लुक एक मोहब्बत का ताल्लुक है इस पर हम कभी फिर बात करेंगे कि उस्ताद के उस्ताद शगिरद के दरम्या अकीदत का रिश्ता बड़ा रिश्ता है या मोहब्बत का रिश्ता बड़ा रिश्ता है लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपका क्योंकि एक बहुत जो आपका लाइफ का जो जर्नी है हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें आप ने ख़वातिन के हकूक़ के ऊपर बहुत पुरजोश रहती हैं बहुत काम किया है शायरी की है हीलर हैं बहुत कुछ किया है तो हम थोड़ा सा मुख्तसर सा उस पर आपकी आपका लाइफ का जर्नी देखते हैं और उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं ठीक है कैसरा अच्छा आ। उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है बहुत मुश्किल लगता है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट की जाए और अभी भी ये लगता है कि टाइम शायद अब बहुत कम रह गया है तो और ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को है अगर आप एम्पथैटिक हैं तो आप चीज़ों को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं आपके अंदर जाके चीज़ें चुपती हैं तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा हुए बचपन में भी हुए और जवानी में भी हुए जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कर दिया कि हमारे इर्द गिर्द ख़वात के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है बहुत यंग एज में हम पागल थे अब मुझे वो मोमेंट याद आ गया अचानक तो मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ कि उम्र क्या थी कि 19-20 साल की थी और मैं पेशावर जेल के अंदर स्टोरीज़ कलेक्ट कर रही थी जो कि मैं लिख सकूँ अखबारों में और मैं वहाँ एक औरत से मिलती हूँ जिसकी आ, जिसको अस्सी सत्तर अस्सी साल उसकी उम्र है और उसको अपने दामाद के कत्ल में क्या वहाँ रखा गया था और उसकी बॉडी जबकि दामाद की नहीं मिली थी तो मुझे बताती है कि मुझे जब वो टॉर्चर करते हैं तो वो मेरे अंदर आ, मिर्चों से भरे हुए मिर्चों के पानी में डूबे हुए फाके जो हैं उसके रुई के वो रखते हैं और उस पर मेरी एक नज़म है मेरी एक अदद किताब में ये नज़म है सो so आप 19-20 साल के हैं और आप उस लेवल पे देख रहे हैं अभी भी मैं बात कर रही हूँ मेरे गूज बम्स हो जाते हैं तो ज़िंदगी को उस लेवल पे दूसरों के पेन को भी एक्सपीरियंस किया और अपने पेन को भी अंडरस्टैंड किया और चीज़ों को ब्रश ऑफ नहीं कर दिया उनके साथ बैठी उनके साथ सेल्फ सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन किया कि मैं क्या हूँ मेरी जात क्या है मेरे में पोटेंशियल क्या है मुझे क्या बताया जा यस अर्न लर्न बहुत ज़्यादा किया लर्निंग तो हुई सो हुई लेकिन हर स्टेज पे जाके एहसास ही होता था कि इतना सब कुछ जो कंडीशनिंग हो गई है इसको फारग करने की ज़रूरत है तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर एक पॉइंट आया कि जब अंदर बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी और उसको निकालना ज़रूरी था तो फिर शायरी अंग्रेज़ी अच्छा ज़बान मेरे लिए आसान ज़बान जो है जिसमें मैं आई फ़ील मोर कम्फर्टेबल बाई तो मैं हूँ लेकिन अंग्रेज़ी संभाव मेरे लिए आसान है कि मैं अपने आप को उसमें बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हूँ तो वो शायरी जो हुई वो सारी अंग्रेज़ी में हुई पता नहीं क्यों हुई किस वजह से हुई बट वो हुई अंग्रेज़ी के अंदर और लेकिन उससे तीन किताबें लिखी जिंदगी के मुख्तलिफ़ उसमें और उन तीन किताबों के अंदर जो मैं हूँ उस दौर के अंदर और मेरी जर्नी एज़ अ वेमेन और मेरे इर्द गिर्द की ख़वातीन के मसाइल वो पूरी तरह मौजूद हैं उसके अंदर तो पहली सेल्फ डिस्कवरी की थी सेकेंड रेजिंग क्वेश्चन करना सोसाइटी से क्यों मेरे साथ क्यों क्यों औरत के साथ राइट इन रेड उसका नाम भी है और फिर थर्ड मेरी जो एक जर्नी थी जिसको आप स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं जो कि बेसिकली अपनी तलाश थी कि मैं कौन हूँ और मैं जब अपने आप को पाऊँगी तो शायद मैं यूनिवर्स को भी पा लूँ तो यही सारा सारा रहा सिलसिला आई थिंक तो मतलब इसमें बेसिक जो चीज़ है एक्चुअली हसासीत ने आपको आ, इस तरफ इस तरफ आपकी आ, राह निकाली है आ, ए, अब हम इसको नेचर के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि भी वो भी आपका आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है मुझे याद है आपने एक दफ़ा मुझे कहा था आ, मोटिवेट करने के लिए कि कुछ पौधे पौधे घर में रखो क्योंकि हम मिट्टी वाले लोग हैं और मिट्टी में खुश रहते हैं तो आप कि मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो अर्लीस्ट मेमरीज़ हैं उसमें कौन से ऐसे इवेंट्स हैं आपके जिन्होंने आपका कनेक्शन नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया अच्छा बहुत बहुत मज़े की बात है कि आ, मैं मेरा बचपन जिस घर में गुजरा वो बहुत बड़ा मेरे फादर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट अगेन कनेक्टेड टू नेचर और मेरे फादर इज़ अ वो टेक्नोलॉजिस्ट तो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में मेरा बचपन गुजरा और हमारा जो घर था वो तीन चार कैनाल के ऊपर बहुत बड़ा बड़े बड़े लॉन्स आके पीछे दरख्त लगे हुए अच्छा उस वक्त मेरा कनेक्शन जो नेचर के साथ था वो वही था जो हम सबका मेरे ख़्याल में मेरी उम्र के जितने भी मर्द हज़रात और ख़वा हैं उनका था कि दरख्तों पर चढ़ना और फल तोड़ना और जो गाजरें होती हैं ना वो जो आपके उसमें होती थी वो निकाल लेना बस ये कनेक्शन था कि दरख्त से डायरेक्ट फल बहुत अच्छा लगता था दरख्त पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था लॉन होता था उसकी कोई वो नहीं थी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नहीं थी जो अब हैं बेसिकली जो मेरा रियल कनेक्शन बेसिकली नेचर के साथ हुआ है वो मेरी हीलिंग जर्नी के साथ बाद में हुआ है बहुत लेट हुआ है जब मैंने अपना कनेक्शन अर्थ के साथ बनाया जब मुझे मिट्टी ने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि मैं तो जिसको कहते हैं ना सन ऑफ द सोइल या डॉटर ऑफ द सोइल डायरेक्टली एज सच नहीं हूँ बिकॉज़ मेरे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने अपने गांव और वो सब कुछ बहुत पहले छोड़ के वो शहरों में आ गए थे और तालीम की तरफ आ गए थे और बाकी तो मेरे तो वालदेन ने भी और उनके वालदे ने भी मेरा दादा नाना ने भी जमीन में हाथ नहीं डाला तो मेरा तो बहुत दूर वो कनेक्शन वो है तो मेरा जो इस्टेब्लिश हुआ है वो बहुत लेट हुआ है काफ़ी और आपके घर में इस इस वक्त आ, क्योंकि ये तो आपकी बहुत पहले की जो है, मेमोरीज हैं वो कि आपका कनेक्शन बना किस तरह से है तो आ, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकें कि आप वो अलाइव है आपका वो वाला कनेक्शन अलाइव है अच्छा जब मेरा ये कनेक्शन बना दिस इज़ वेन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टू हीलिंग तो अपनी हीलिंग पे और दूसरों की एनर्जेटिक हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ तो आ, मुझे हर चीज़ रिस्पॉन्ड करने लगी तो मेरे लिए जो वो घास थी वो सिर्फ घास नहीं रह गई वो जो उसका ग्रीन कलर है जो मॉइसनेस ऑफ द अर्थ है जो पानी का फ्लो और उसकी आवाज़ है जो विंड हवा की रसलिंग है थ्रू द द लीव्स वो सब बहुत मीनिंगफुल हो गया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमेंशंस खुल गई जो हम मेडिटेट करते हैं हमारी जो प्रैक्टिस है इसके अंदर मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो वो जब हम मेडिटेट करते हैं तो वी मेडिटेट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छा फिर इसमें मैंने क्या किया, किया कि आई डिसाइडेड uh, कि अब जो हमारा घर है शहर के जैसे घर होते हैं जो कोई कंक्रीट का एक क्या कहें कि एक वो ब्लॉक है समझें और हमें हम लॉन के नाम पे एक मरला ज़मीन छोड़ के उसमें थोड़ा सा छींटा डाल देते हैं हरे रंग का तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग क्योंकि हमें वो लिविंग स्पेस बहुत बड़ी चाहिए बड़े ग्रैंड घर चाहिए तो अब क्या है कि मुझे उससे जब मैं सारी जर्नी पे गई तो मुझे बड़ी उलझन होती थी मुझे दीवारों से बड़ी उलझन होती थी मुझे वो कन्फाइनमेंट से बड़ी और मेरे पास ग्राउंड तो था नहीं के जिसको या मेरे पास लॉन था नहीं तो मैं कैसे उसको करूं सो व्हाट आई स्टार्टेड इज़ के मेरा जो टैरिस था आ, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इन विल्डरनेस मैंने उसको कम्प्लीटली ग्रीन कर दिया अच्छा इसमें मुझे वही बात है जब आप इस चीज़ में आते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा जो प्लांट है वो एवरग्रीन है कौन सा सीजनल है और किसको कितना पानी और छाँव सब चाहिए ये आपको सब ये आपको किसी किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पौधे आपसे खुद बातें करते हैं ये भी पागलपन की बातें हैं बट इस पागलपन में मुझे रहते हुए बहुत अरसा हो गया LAP, of course, these ऑफ कोर्स दीज द प्लान्ट डू स्पीक टू यू एंड यू कैन स्पीक टू दैम सो एक बहुत खूबसूरत आपसे उनसा इनका रहा हो जाता है तो वो सारा उनकी प्लेसमेंट फिर उनके साथ एक आर्टिस्टिक टच फिर देन देर इज अनादर थिंग आई स्टार्टड डूइंग आई स्टार्टड क्रिएटिंग एंड दीज आर मेडिटेटिव थिंग कॉल जेन गार्डन्स जो ट्रेडिशन में होते हैं जिसमें अगेन नेचर के साथ प्ले किया जाता है मिनिमलिस्टिक होते हैं उसमें सैंड होती है उसमें स्टोन्स होते हैं प्लेसमेंट होती है उनकी एक बैलेंस होता है अच्छा बैलेंस की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि द होल यूनिवर्स इज इन अ बैलेंस ना कोई प्लानट दूसरे प्लानट में टकरा नहीं रहा मून अपने उसमें है हम अपने उसमें हैं जुपिटर अपना चल रहा है अदर देन के कोई एक मेजर हिट हो अदरवाइज एवरीथिंग इज इन बैलेंस एंड दिस इज हाउ आर बॉडी एज इवन वी आर विद ग्रैविटी ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है लेकिन हमारे ऑर्गन नीचे तो नहीं जा रहे हैं ना बट ये खूबसूरत बैलेंस के अंदर द होल यूनिवर्स इज़ इन अ बैलेंस और जब बैलेंस ख़राब होता है जब हम आगे जाएंगे तो ये बैलेंस ख़राब ही हो रहा है ना जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब तो वो जो जैन गार्डन्स हैं वो आपको सिखाते हैं ये ए खूबसूरत बैलेंस जब आप उसके अंदर इंडाल्ज करते हैं जब आप उसको बनाते हैं कि उसकी प्लेसमेंट के सैंड की Uh, जो ड्रिफ्ट वुड है वो कहाँ लगेगा स्टोन्स किस प्ले उसमें होंगे सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग जैन गार्डन्स मुझे किसी ने नहीं सिखाया मैंने ये कहीं से नहीं सीखा मैंने कहीं से गार्डनिंग नहीं सीखी मैंने कहीं से जैन गार्डन्स नहीं सीखे मैंने यूट्यूब नहीं देखा मैंने उनको ख़ुद से बनाना शुरू कर दिया दीज एलिमेंट्स फॉर स्पीकिंग टू मी फिर उसके अंदर लाइंस बनती हैं येस दिस इज़ द पार्ट जो कि मैंने फिर उसमें मैंने देन देर इज़ अनदर थिंग एंड दीज आर दिस इज़ अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट या यूरोपियन कॉन्सेप्ट आप कह लें फेरी गार्डन्स सो आई स्टार्टड मेकिंग फेरी गार्डन्स दीज आर ऑर्नामेंटल ये खूबसूरती के लिए होते हैं तो उसमें आप फेरीज़ बिठाते हैं उसमें आप एक छोटे से हाउसेज वो रखते हैं लेयर्स में होते हैं बहुत ब्यूटिफुल थिंग्स एंड वैन यू आर डूइंग इट इट्स सो सूदिंग एंड कामिंग एंड रिलैक्सिंग के मैं बता नहीं सकती आपका स्ट्रेस वहीं मेल्ट अवे कर जाता है मतलब वहीं यू आर इन योर एलिमेंट यू आर हैप्पी आई स्टार्टेड डूइंग दैट मुझे लोगों ने भी कहा मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए बना देती थी देन देर इज़ अनादर थिंग विच आई स्टार्टेड मुझे जो अर्दन पॉटरी है हमारी जो कि मट्टी के गमले जो कि बिल्कुल ही डिसक्रेडिटेड हैं हमारे यहाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो मट्टी की जो बर्तन हैं या गमले हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं वो प्याले जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं मट्टी के तुमने तो देखे हुए हैं सो वट आई स्टार्टिड डूइंग इज़ कि मैंने उनके साथ वाटरफॉल्स बनाने शुरू कर दिए और वाटरफॉल भी मुझे मैंने कहीं से नहीं सीखा उन्हीं मट्टी के अर्दन पॉट्स के साथ मैंने बनाए और उनके अंदर किस कहाँ से सुराख करना है वाटर का फ्लो कितना होना चाहिए और कैसी आवाज़ आनी चाहिए बिकॉज जो पानी की आवाज़ है अगैन इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट हीलिंग टूल आवाज़ जो पानी की बहते पानी की आवाज़ है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म कर देती है आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लेंस करती है वो तो उसका कि कितना फ्लो होना चाहिए तो दैट आई स्टार्टेड डूइंग एंड देन अगेन Indulging in nature, like you know, putting the flowers and the plants. So, I created a whole ecosystem out of nowhere. जिसके अंदर मैं अब, मुझे इस बात पे हम अभी कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे तो मुझे घर वालों से काफ़ी सुनने को मिला कि क्या उजाड़ जंगल बना के रख दिया है तो यहाँ तो कीड़े हो रहे हैं तो तो अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ वो एक सेंचुरी बन गई है वो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें बिलियाँ बच्चे दे रही हैं जिसके अंदर डफ की कई जनरेशन जा रही हैं जिसके अंदर स्नेल्स स्पाइडर सब रह रहे हैं जिसमें छिपकलियाँ भी हैं और पूरा एक इको सिस्टम है ना तो एक स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी को बैलेंस में रखे हुए है एंड दैट इज़ हाउ द इको सिस्टम अगर आप पेस्टिसाइड ना डालें तो सब कुछ बैलेंस में है वहाँ लेकिन ज़ाहिर है वो एक शहरी टर्म में या घर वालों के टर्म में उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है सो so, अब मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम पौधों को काटते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता Uh, मैं चाहती हूँ कि पौधे अपनी नेचुरल जो वो होता है उसमें हालांकि ट्रिमिंग इज़ रिक्वायर्ड उनको हेल्दी रखने के लिए लेकिन मुझे दिल पे बहुत ज़्यादा गुजरती है जब हम पौधों को काटते हैं मैं मुझे खुद भी काटने पड़ते हैं तो सो दिस इज़ हाउ इट इज़ आई हैव क्रिएटेड एंड दिस इज़ वॉट आई से टू पीपल कि प्लीज़ इन योर स्पेस यू कैन क्रिएट अ गार्डन एन इट सर और उससे जो आपने अभी बोला कि एक्चुअली उसका बाय प्रोडक्ट क्या है वो कि वो सब कुछ स्ट्रेस रिलीजर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग और कामिंग है और वही एक ड्राइव है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ करते हैं आ, अब हम टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से कुछ लोगों को शायद ये भी एतराज़ हो कि ये क्या बात हुई कि औरतों का कनेक्शन जो है वो औरतों का क्या ज़्यादा कनेक्शन होता है नेचर के साथ नेचर कह लें इन्वायरमेंट कह लें फ़रत कायनात, खुदा जो भी कह लें मुख्तफ अल्फाज हैं लेकिन एक्चुअली बात यही है तो आ, आपका एक आ, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस है इसके ऊपर कि औरत का जो कनेक्शन है आ, ये कोई एक ख़ास वजह है जिसके जिसकी वजह से ज़्यादा है उसके उस नेचर के साथ तो मैं चाह चाहती हूँ कि हम उसके ऊपर बात करें कि हम आ, औरत नर्चरिंग करती है औरत केयरटेकर है ये वाले रोल्स नेचर के और आ, जो औरत है उसके सेम है लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत अहम जो है हमारी एक कनेक्टिविटी बनती है फितरत के साथ तो उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा मैं ना इसको कहाँ से शुरू करूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बात बातों में आ गई हैं मैं इसको वहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जहाँ से इंसान का इरत या एवोल्यूशन स्टार्ट होता है ठीक है सो वी आर गोइंग टू गो बैक इन दिस मोमेंट एंड आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज़ एंड एमेजिन या वैसे ही आप कर लो कि वी आर लिविंग वी द ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन केव्स ठीक है एंड द लाइफ एग्जिस्टेंस इज़ वेरी लिमिटेड चीज़ें बहुत उस वक्त लिमिटेड हैं अच्छा वहाँ क्या है कि आ, दो तरह मर्द और औरत और के आपको वहाँ दो चीज़ें नज़र आती हैं यूजली एक हंटिंग पार्टी है जो कि सुबह निकलती है जिसने जानवर हंट करने हैं ठीक है ना और एक गैदरिंग पार्टी है गैदरिंग पार्टी क्या है कि ये वो पार्टी है जो निकल के फौज करती है आ, जड़ी बूटियाँ घास फूस फल दरख्तों के गिरे हुए, ये सारा जमा करती है एक तरफ हंटिंग हो रही है एक तरफ गैदरिंग हो रही है ठीक है यूजली औरत या फीमेल स्पीशी जो है उसके साथ फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ठीक है ना अब इसके अगर मैं स्परिचुअल सेंस में जाऊंगी कि अगर हम औरत को और अर्थ को देखें तो अर्थ क्या है वो अर्थ ज़मीन वो है जिसके अंदर बीज पनपता है ठीक है वो फर्टाइल है वो नेचर कर रही है वो प्रोटेक्ट कर रही है और फिर वो एक प्लांट निकाल रही है तो औरत क्या है बेसिकली औरत वो फर्टाइल ग्राउंड है जिसके अंदर लाइफ जो है वो फल फूल रही है लेकिन अर्थ या औरत दोनों को एक खास एनवायरमेंट चाहिए एक सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट चाहिए उस बीज को कैरी करने के लिए ठीक है उसके कुछ ज़ाहिर है वो हैं एक ऐसी ज़मीन जो बंजर हो चुकी है जहाँ पानी नहीं है जहाँ जिसको कहते हैं ना न्यूट्रिएंट्स नहीं है वहाँ बीज नहीं वो होगा इसी तरह एक औरत अगर आप उसको देख लें कि जिसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती या जिसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उसकी फ़र्टिलिटी अफ़ेक्ट होती है सो so बेसिकली ये एक आप उसको उस डायरेक्ट कनेक्शन में देख लें किस तरह अगेन गोइंग बैक टू अब हुआ क्या जो सारी स्टोरी है जहाँ लोगों को थोड़ा सा मसाइल भी हो जाते हैं गैदर कौन करता था गैदर ज़्यादातर ख़वात करती थी ठीक है आप अगर एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यह आपके कोर्स का हिस्सा है जेंडर के भी स्टूडेंट हैं तो आपने शायद ये पढ़ा होगा कि वो प्रेग्नेंट भी होती थी और उनके पीछे भी बच्चे जो है ना वो चिमटेवे होते थे उन्होंने यूँ किया हुआ होता था तो अब उनका क्या वो होता था कि जो अर्थगर्द का एरिया है वो जो सारा वहाँ से वो आ, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती थी इसीलिए औरतें वुमेन आर द फर्स्ट हीलर्स दे आर द फर्स्ट वंस टू तो बी इनटू द मेडिसिन सो जो टिप स्टार्ट हुआ वो भी औरत से स्टार्ट हुआ हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं मिलता कहां से ये जड़ी बूटी जो आपने उठाई वहाँ से उस औरत ने उठाई उस जड़ी बूटी के फवायद जानना उस औरत के पास अच्छा अब ये अगेन ये जो मैंने पहली बात कही थी कि अर्थ एंड औरत ठीक है अर्थ को भी पता है कि उसको कितना मॉइस्चर चाहिए कितनी वो चाहिए उसको वो करने के लिए औरत की इंस्टिंग बहुत स्ट्रांग हैं मर्द के मुकाबले में औरत के अंदर जो एक है ना इन बिल्ट उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है ये कौन सी है ये वो जो उसको कनेक्ट कर रही है वो हवा का रुख समझ जाती है उसको लोगों की बातों की समझ आ जाती है आज आजकल के ज़माने में हम उस ज़माने में चले जाते हैं उसको पता था कि सूरज इधर है तो क्या मतलब है कितनी गर्मी आने वाली है कितनी सर्दी है वो मौसमों को देख रही है क्यों क्योंकि वो जो लाइफ कैरी कर रही है उसके लिए उसको राइट right इन्वायरमेंट चाहिए और वो इन्वायरमेंट उसने ख़ुद भी क्रिएट करनी है और वो नेचर के को भी वो कर रही है उसको प्रोटेक्शन चाहिए उस चीज़ के लिहाज से सारा सो so, अब क्या है कि वो ज़्यादा इंट्यूटिव है उसके अंदर ये मैसेजेस ज़्यादा रैपिडली आ रहे हैं इसी तरह एक मदर की इंस्टिंग्स हमने देखी हम है हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं मसला ये है कि हम इस पर कभी बात नहीं करते औरत को फौरन पता चल जाता है कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही होती है अभी होती नहीं है अभी सिर्फ ख़राब हो रही शुरुआत है और औरत को माँ को पता चल जाता है सो उसकी इंस्टिंग जो हैं वो ज़्यादा इस तरह से अच्छा अब क्या हो रहा है कि वो जब जाके गैदर कर रही है तो वो जो सारे प्लांट्स हैं ऑल दोज जो जो अब चाहे वो खुराक के सेंस में हो या मेडिसिन के सेंस में हो तो वो उनसे लिंक्ड है उसको पता चल गया कि ये जो बूटी है ये दर्द में हेल्प करेगी ये बूटी जो है बुखार में हेल्प करेगी ये बूटी जो है ये ये करेगी और ये उसके पास नॉलेज इकट्ठी हो रही है जो कि उस ज़माने में ट्रांसफ़र होती थी ओरली सो so ये जो है अच्छा अब क्या है कि ये सारा कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया और औरत ने ये सारा असर्टन कर दिया दूसरे लेवल पे क्या चल रहा है हंटिंग एंड गाय वही चल रही है ना वो वहाँ से आ रहा है वो सब कुछ जो हो रहा है प्रॉब्लम तो हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे या बाद में जाएंगे <laughs> वो वाला दूसरा सवाल जो जो एक्चुअली प्रॉब्लम उस टाइम पे स्टार्ट हुए <laughs> उनको भी हम साथ साथ ही एड्रेस करते जाते हैं <laughs> so, उसके आगे वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं उन पर बाद में बात करते हैं सो दैट इज द थिंग मतलब बेसिकली आई थिंक इट्स इन द नट नट दिस इज Uh, यहाँ पे अब तक के रोल तो काफ़ी हद तक क्लियर हैं और उसमें आई एम सॉरी टू से लेकिन औरत का थोड़ा सा उसको uh, एज इस टॉपिक के हवाले से इसलिए देते हैं कि उसका कनेक्शन ज़्यादा बनता है क्योंकि एक तो वो रिप्रोडक्शन uh, का उस है जो कुदरत ने उसको एक दिया हमारे पास भी कुछ प्रिविलेजेस हैं अगरचे हम uh, आज के दौर में तो खैर अब हमें ऐसे लगने लग गया है कि शायद ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आते हैं हमारे हिस्से में लेकिन कुदरत की तरफ से एक जो ये एम्पावरमेंट है रिप्रोडक्शन की जिसको के अब उसको उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठने लग गए हैं कि क्या है या नहीं है आ, इस आ, यहाँ पे कि आपने कहा कि यहाँ ये क्रेडिट नहीं दिया जाता कि औरत जो है वो हीलर थी और तिब के साथ उसका ताल्लुक था इससे हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे चीज़ें लग रहा है कि काफ़ी हद तक ठीक हैं और रोल भी काफ़ी हद तक जो हैं हम हम अपने अपने रोल जो हैं वो करें और उसका क्रेडिट भी हमें किसी हद तक मिल रहा है फीमेल्स को अपना मिल रहा है मेल्स को उनका मिल रहा है तो उससे थोड़ा सा आगे आते आते हमारा कनेक्शन वो आ, वीक होता जा रहा है नेचर के साथ या ये बहुत ही रिसेंट फिना है कि हमने वो वाला कनेक्शन अच्छा, यूज़ कर दिया इसके अंदर जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है ना ये तो मैंने बिल्कुल अर्ली बात की अच्छा उसके बाद आप थाउजेंड ई ईयर्स फॉरवर्ड आ जाएं अभी भी आ जाएं अभी भी गाँव की आप उस पर चले जाएँ अभी भी आप अफ्रीका के किसी उसमें चले जाएँ या कोई बहुत ही रिमोट किसी उसमें चले जाएँ देर आर सर्टन थिंग्स जो कि लाइफ की सस्टेनेंस uh, के लिए क्या चाहिए ठीक है खुराक चाहिए फायर चाहिए ठीक हो गया ना वाटर चाहिए ये सारी अच्छा ये मसाइल किसके हैं ये जो तीन चार चीज़ें मैंने मेंशन किए हैं ये किसका मसला है ये मर्द का मसला नहीं है ये औरत का मसला है और वो मसला इसलिए है कि उसके पास चॉइस नहीं है उसने सस्टेन करनी है लाइफ उसके पास ये चॉइस नहीं है कि पानी ना हो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि फायरवुड ना हो और हमने क्या किया और औरत हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अभी भी अभी भी है और पहले तो खैर बहुत ही था अब तो हम इंडस्ट्रियल और उसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल उसमें चले गए तो क्या औरतें मिलो जाती हैं पानी भरने के लिए औरतें मीलो जाती हैं फायरवुड इकट्ठा करने के लिए मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ मुझे अभी भी औरतें नज़र आती हैं सर्दियाँ जब शुरू होती हैं लकड़ियाँ चुनती हुई वो लकड़ियाँ किसके लिए चुन रही हैं क्यों चुन रही हैं वो क्योंकि उनको पता है कि अगर वो चुन के ये लकड़ी नहीं लेके जाएंगी तो चूल्हा नहीं जलेगा चूल्हा नहीं जलेगा तो खुराक नहीं होगी किसको फिक्र है कि दाने स्टोर हों कौन दाने स्टोर कर रहा है जो इस सीजन के दाने हैं वो अगले सीजन तक कौन इंश्योर कर रहा है औरत उसने वो सारे मैकेजम्स बनाए क्योंकि उसका मसला है उसके पास चॉइस नहीं है उसने जो तीन चार बच्चे हैं उसके ऊपर जो लाइफ्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसकी उसकी उसने उनको सस्टेन करना है उसके पास है ही नहीं चॉइस सो अब हुआ क्या कि हमने देखा कि दरख्त काट दिए जब दरख्त काटे तो दरख्त का एक्सेस दूर हो गया पहले शायद घर के इर्द गिर्द वाले जो दरख्त थे वहाँ से आ जाता था अब मिलो जाना पड़ता है उसको करने के लिए जो मैं अपनी इलाके की औरतों को जो वहाँ आती हैं लकड़ियाँ इकट्ठने इकट्ठी करने के लिए पानी वाटर टेबल डाउन हो गया बेदरेग इस्तेमाल हुआ स्टोरेज नहीं हुआ फैक्ट्रीज़ बन गई पलूटेड हो गया पानी अब उसको साफ पानी के लिए मिलो जाना पड़ रहा है लाइफ उसकी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया औरत के ऊपर सो so, ये जो हम सारी ये जो सारी अच्छा उस ज़माने के अंदर भी जब हालात बदलते थे तो कौन किस पे इंपैक्ट आता था और ये पूरा एक सब्जेक्ट है पूरा डिसिप्लिन है जिसमें औरत और बच्चों की वलनरेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू डिज़ास्टर्स और एन्वायरमेंटल डिज़ास्टर ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है इस पर बहुत रिसर्च हुई भी है कि औरत और बच्चे कितने वल्नरेबल हैं वेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स क्योंकि वो जो सारे उनके एक्सेस में चीज़ें हैं वो अब बियॉन्ड हो जाती हैं उनके लिए आ, उस जमाने के अंदर भी जब ये सारी चीज़ें होती थी तो कौन सफ़र करता था बेसिकली बच्चे और, और औरतें सफ़र करते थे सो so, उनको इंश्योर करना होता था औरत को इंश्योर करना होता था इसी वजह से उसने डिस्कवर किया कि जो मैं फलां सीड लाऊँ ना तो ये जब मैं यूँ करके डालूँगी तो ये एक फ़सल बन जाएगी तो अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा अब मेरी अपने घर के अंदर खेती हो गई है या अपने इलाके के अंदर खेती हो गई है और वो मेरे लिए एक्सेस आसान हो गई है कहानी मजे की यहाँ से होती है कि जब उसके पास दाने आ गए तो अब दाने बच भी गए और वो जो दाने बच गए तो मर्द ने कहा कि मैं तो फला जगह दूँगा ये दाने तो मुझे इतना कुछ मिल जाएगा स्टोरी कॉम्प्लिकेट जो होती है ना वो यहाँ से होती है कि जो उसकी मेहनत थी उसको मोनेटाइज किया गया अपने गें्स के लिए और वहाँ से कैपिटलिज्म स्टार्ट होता है उन दानों से स्टार्ट होता है उस खेती से स्टार्ट होता है वहीं से पट्रिया की और पता नहीं क्या कुछ स्टार्ट होता है जैसे आपने भी अभी कहा आ, हम ये कह सकते हैं कि औरत जो है उसके लिए ज़मीन का टुकड़ा सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है वो उसकी लाइवलीहुड है एक्चुअली हाँ। उसका उसके साथ इसलिए ज़्यादा गहरा ताल्लुक है लेकिन कैपिटलिस्ट uh, पैट्रियार्की जो है उसमें ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा जो है वो आपकी आप पावर एक्सरसाइज करते हैं एक्चुअली जितना आप बढ़ाते जाते हैं आपकी पावर uh, बढ़ती जाती है और फिर उसको आप ट्रांसलेट करते हैं तो uh, आज के दौर में हम आते हैं कि आ, अब हम हम काफ़ी इस पे बात करते हैं कि हमने वो वाला कनेक्शन जो है नेचर के साथ लूज़ कर दिया है और आपने इसमें कुछ ज़िक्र तो किया कि उसका उसकी सबसे बड़ी कीमत जो है वो एक औरत पे करिए या फिर बच्चे पे करें लेकिन ज़ाहिर मर्द भी इसी ज़मीन में रहते हैं यहीं पे उन उनका भी तो आखिर वो भी तो उससे इफ़ेक्ट हो रहे होंगे उस उतने नहीं जितने औरतें हो रही हैं लेकिन आपको लगता है कि ये वाले जो आ, वो इस एंगल से इसको देखते हैं कि इसमें आ, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस कनेक्शन को लूज़ करने में और फिर ये कि हम उसको उस कनेक्शन को रीबिल्ड कैसे करेंगे अच्छा ये जो आ, लेवल ऑफ जिसको कहते हैं ना किस लेवल पे आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये बड़ा डिफरेंट है इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि अगर आपके घर में चार रोटियाँ हैं और आप पांच लोग हैं ठीक है जिसके अंदर से माँ मार दौरत, माँ बाप और उनके तीन बच्चे शामिल हैं तो जो चार रोटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सबको पता है वो चार रोटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हमें पता है जो सबसे बड़ी और डेढ़ रोटी है वो बाप को मिलेगी क्योंकि वो बेचारा तो बहुत मेहनत कर रहा है कमा के ला रहा है जान टूट रही है उसकी उसको डेढ़ रोटी तो ज़रूर मिलेगी डेढ़ रोटी नहीं मिलेगी तो बेचारा जाहिर है कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद जो आधी रोटी बच गई तो अगर एक घर में बेटी है तो घर में बेटी है उसने तो कुछ करना नहीं है तो आधी रोटी बेटी को मिल जाएगी मतलब क्या है लड़की है लड़की को कितना ख़ुराक चाहिए ज़्यादा तो नहीं चाहिए नाजुक सी है बेचारी तो बाकी जो तीन रोटियां हैं वो बेटों को मिल जाती हैं मतलब वो जो बेटे हैं उनको वो चली गई और जो औरत है वो कहती है कि मेरा पेट भर गया ठीक है अब ये अप्लाई कर लो तुम ये जो तुम कह रही हो ना कि वो भी इफेक्ट हो रहे हैं तो उनका लेवल ऑफ इफेक्ट होना और औरत के लेवल ऑफ इफेक्ट होने में यही है इस सारी कहानी को अब आप पूरे उसके अप्लाई कर कि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो अगेन सबसे ज्यादा कौन सफर करता है बच्चे और औरत लेकिन औरत की सफरिंग जो है बेसिकली उस लेवल पे सामने नहीं आती वो आती है क्या ओवर द इयर्स मेल न्यूट्रिशन चल रही है मल्टीपल बच्चे पैदा हो के मर रहे हैं कोई रीज़न नहीं है और ख़ुद भी वो एक दिन अपनी उम्र से पहले मर जाती है गुजर जाती है ठीक है ना और वो रिप्ले रिप्लेबल है तो मतलब दूसरी आ जाए I'm sorry. Activism कहीं ना कहीं तो बोलता है बट देन दिस इज द रियालिटी वैसे मतलब पाकिस्तान देखा? में इस पर यह ऑब्जेक्शन आएगा कि भई आप लोगों की एवरेज जो उम्र है वो हमसे ज्यादा <laughs> तो मतलब उस उस... हम <laughs> है तो उस शायद उस... हम ढीट हो चुके हैं नहीं शायद उसकी और बहुत सारी रीजंस हैं डिटाई बहुत बहुत बड़ा रीजन डिटाई है आधी मतलब हवा खा के भी हम जिंदा रहते हैं यार मतलब इट्स लाइक दैट अच्छा इसमें हम जो औरतों का एक रवायती रवायती रोल रहा है या हम जिसको फोक विजम कहते हैं नेचर के हवाले से अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि मैं अगर कहूँ कि मेरा जो कनेक्शन है नेचर के साथ तो मुझे आ, इतना पता है कि मैंने ये देखा है इर्द गिर्द भी देखा अपनी माँ को भी देखा कि एक तो वो रिसोर्स जो है इवन चाहे वो रोटी का टुकड़ा है उसको ज़ाया करने पे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ। कि जी रिस्क है रिस्क ज़ाया नहीं, नहीं होना नहीं। चाहिए नहीं। और फिर ये भी मैंने आ, देखा कि दोबारा से माजरत के शायद मर्दों को ये ना लगे कि आज का प्रोग्राम शायद उनके <laughs> उनके ख़िलाफ़ है मतलब कि लड़कों में थोड़ा सा अपनी वो मैन को शो करने वाला एटीट्यूड ज़्यादा होता लड़कियाँ बेचारी जरा दुबक के रहती हैं तो अगर कोई अकड़ के चलता है बच्चा तो उसको माएँ कहा करती थी कि जो जमीन है वो बदो देती है इस तरह से नहीं चलते मतलब कि आप डाउन डाउन टू अर्थ रहने हाँ। की एक दी जाती थी तो ये वाला जो हमारा ट्रेडिशनल रोल रहा है फीमेल्स का ख़ास तौर पर आपको लगता है कि वो अभी भी है या वो हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और अब हमें वो बैकवर्ड लगती हैं चीज़ें देखो अगेन ये आपकी अपनी अनलर्निंग के ऊपर है ठीक है सुना हमने भी बढ़ा था कि नमक गिर जाए तो पलकों से उठाओ क्योंकि एक ज़माने के अंदर नमक बहुत नापैद होता था तो इस वजह से उस चीज़ की बड़ी अहमियत थी मतलब जो मेरे अन्सस्टर्स हैं वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ शायद ये बहुत वैसी चीज़ थी हमारे पाकिस्तान में तो नमक को हम लिफ्ट ही नहीं कराते फॉर देट मैटर Uh, रोटी का uh, निवाला गिरता था तो कहा जाता था उठाओ उसको माथे पे लगाओ रिस्क है और खा लो वाहिद रोटी के निवाले को कहा जाता था कि खा लो ज़मीन से उठा के भी कि कोई हर्ज नहीं है तो ये जो तुमने कहा ये वाली बात अगेन ये वाली जो सारी चीज़ अच्छा रोटी की प्लेट्स जो खाने की प्लेट है उसको साफ़ करो अगेन रिसोर्स आपका जो आपके पास जितना था वो आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो पूरा पड़ जाए सबको उसमें ज़ाया ना हो हम उस जब हम कंज्यूमरिज्म में चले गए ना कैपिटलिस्ट और कंज्यूमरिज्म ये सारा तो फिर तो कोई हद ही नहीं है ना वो ठीक है ना इतनी प्लेट फिक भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है दूसरी प्लेट भर लाएंगे बुफे की कोई हर्ज तो नहीं है इसमें से खा लिया उसमें पूरा आपकी साइकी चेंज हो गई न हर चीज़ आपकी चेंज हो गई अब आपने वो पहले कहाँ थे रेस्टोरेंट्स घर के खाने थे उनके अंदर कितनी बरकत होती थी वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना ये ट्रेडिशनल जो फोक जो तुम बात कर रही हो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं ये अगेन कमिंग फ्रॉम दी अर्थ ठीक है अब बहुत सारे घरों में सब कुछ प्रैक्टिस नहीं बासी रोटी खाना हमारे यहाँ उसको बहुत अच्छा समझा जाता था कि उसमें बड़ी ताकत है मैंने मुझे वो ज़माना याद है कुछ अर्से एक दो तीन साल पहले कि हमारे घर में ना रोटी के टुकड़े जमा किए जाते थे फेंकना तो बहुत बुरा समझा जाता था और वो फिर उनको किसी को दे दिया जाता था बेचने के लिए तो मैंने बुनियाद डाली और मेरे हस्बैंड ने कि अगर आप रोटी घर में बचेगी तो खुद ही ने खानी है अब ये सूख के नहीं जा रही भाई अब वो रात की रोटी है सुबह की रोटी है तीन वक्त की रोटी हो गई खाओ इसको सो तो मेरा तो यूजुअली ये होता है कि मेरी पास ही रोटी चल रही होती है क्योंकि इतना है खुराक खुराक भी होती नहीं तो थिंग इज़ कि दोबारा से मैं दोबारा से इन चीज़ों की तरफ आई मैंने दोबारा से इन चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाया और उनको अंडरस्टैंड किया लोग नहीं कर रहे तो हम उसकी प्राइस क्या पे करें आपने कहा कि कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर रहे हैं और द इज़ कि हम इस हद तक डिसकनिकट हो चुके हैं कि हमें कुछ नहीं पता ना पानी हमारे यहाँ ज़ाया हो रहा है रिसो मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं आप उनको देख लो कि आ, हम आ, हमारे जो जो जितने भी ये अल्ट्रा मॉडर्न किस्म के बाथरूम फ़िटिंग्स आ, आ गई हैं ये हर दूसरे दिन लीक हो रही होती हैं पानी हमारा उस क्वालिटी का है नहीं और पानी का कितना जाया है कितना ज़्यादा वो है सो द इज़ कि people are not aware of it. people are not connected to it. Uh, जो हमारी अच्छी चीज़ें थी वो रवायात थी वो हमने सब खो दी हैं और उनको हम बहुत बुरा समझते हैं क्योंकि वो बुरानी तक या नूसी बातें हो गई हैं क्या मतलब ये आप आजकल के ज़माने में इस तरह की बातें करो को कौन बासी रोटी खाएगा वो तो मासी को भी नहीं देते वो तो आप फेंक देते हो उठा के ना मतलब ऐसे कर दे तो सो so इज़ कि हमने ये सब कुछ लूज कर दिया है और वो उसकी बहुत बड़ी प्राइस है जो हम इस वक्त पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है हम मनो टनों दिन के हिसाब से हमारा वेस्ट निकलता है ना रिसाइकलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारे माशरों में मैं थर्ड वर्ल्ड की बातें कर बात करूंगी वहाँ ज़्यादा गंद है वहाँ ज़्यादा वो है क्योंकि हमने मॉडर्निटी को या इन सब चीज़ों को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट तो कर लिया है और क्योंकि उससे हम बड़े कूल cool लग रहे हैं ना बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं हैं उनको करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तीन बोतलों को तरीके से रिसाइकल कर सकें हम हर चीज़ को अच्छा फिर कुछ और कॉन्सेप्ट भी आए हमने चीज़ों को बुरा समझ लिया जो हमने कहा ना अर्थ से कनेक्शन टूटा कैसे अर से कनेक्शन टूटा इसलिए कि कीचड़ तो नापाक है पैर तो गंदे होते हैं मट्टी के छींटे आ जाते हैं मिट्टी बुरी है अब वो जो सर्फ का एड है काश हम उसको अपने अंदर उतार लें कि दाग अच्छे होते हैं तो बेसिकली हमने तो उन चीज़ों को बुरा समझ लिया हर किसी से हर चीज़ नापाक है हर चीज़ बुरी है हर चीज़ से कपड़े पली हो रहे हैं तो पूरा दिन हमारा यही सिलसिला नहीं ख़त्म होता तो so, वो जब हमने कर दिया तो वो एक वो चीज़ हो गई ठीक है फिर ये है कि हर चीज़ रेडीमेड uh, रिप्लेसेबल है डिस्पोजेबल पूरी सोसाइटी भी डिस्पोजेबल हो गई लोग भी डिस्पोजेबल हो गए चीज़ें भी डिस्पोजेबल हो गई हर चीज़ उठा के फेंक दो क्या इरादा क्या हमारा है हमारे घर बहुत साफ होंगे अंदर से पोचे लगे हुए होंगे लेकिन गलियां सड़कें हमारी बड़ी गंदी हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम खिड़की नीचे करते हैं अपनी गाड़ी को साफ रखते हैं खिड़की नीचे करते हैं उठा के फुर्च करके अभी देखते हैं अच्छा कुछ को ख्याल होता है हमें तो बड़ी डांट पड़ती है ना मुझे हम सबको को तो हम इस बारे में बड़े केयरफुल हो गए और अब डांटने वाली अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी हैं वो हमें कहती हैं कि प्लीज़ ख़बरदार जो इतना सा वो भी इतनी सी चुविंगम टाइप भी कोई चीज़ बाहर फेंकी तो हमने क्या किया कि आप सड़क पे जा रहे हैं एक अच्छी सी गाड़ी देखेंगे सिविक देखेंगे और शीशा खुला और लेस का पैकेट बाहर तो केले का छिलका बाहर सड़क के ऊपर ये आर डूइंग डूंग एवरी वन इज़ डूइंग इट और कुछ भी नहीं है हमारा उसमें लिटरिंग और ये मतलब ये पूरा एक रवैया है ये रवैया है एक डिस्कनेक्ट है ये अदरिंग है ये अदरिंग कर दी हमने नेचर के साथ हर उस चीज़ के साथ जो कि खूबसूरत थी हमारे ट्रेडिशंस के अंदर हमने उनको अलग कर दिया अपने से दूर कर दिया इसी मॉडर्न दौर में मॉडर्निटी क्योंकि यहाँ हमने तो सिर्फ़ उसको नहीं ना अडॉप्ट किया बाकी दुनिया ने, ने भी किया लेकिन अगर हम जापान आज आज के दौर में इंडिया की मिसाल ले लें या जापान की मिसाल ले लें जापान सबसे ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी समझी जाती है नेचर के साथ तो उन्हों वो मॉडर्न भी हैं मॉडर्न दौर में जी रहे हैं लेकिन स्टिल उनके अगर बाहर का जब मौसम आता है वहाँ पे तो वहाँ पे मैंने सुना कि हफ़्ता दस दिन के लिए लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फूलों को देखते हैं और फूलों को एंजॉय करते हैं और बाहर बाहर को एंजॉय करते हैं और उसको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आ, उस इवेंट इमे, की और उ, उ, मतलब जिस जिस तरह से वो उसको देखते हैं लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है hmm. आ, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस होता है जापान के अंदर बुद्धिज्म बुद्धिज्म की रूट्स किसमें हैं? हैं दूसरा मुल्क चाइना में चाइना नहीं कहा था उसमें मतलब इंडिया कहा था तो हाँ, लेकिन चाइना में भी काफी है इंडिया में तो काफी हुए लेकिन उसकी रूट्स किसमें हैं हिंदुइज्म की हिंदुइज्म मतलब जाहिर है उनके लेकिन हम आपका इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर जो मेन स्ट्रीम फ़िलासफ़ी है आइडियोलॉजी जो भी है आपकी आपके मुल्क की आपकी जिससे आपकी, जिस आपकी जनरेशन गुजरी हैं उसका बेस क्या है वो तो कितना आपको कनेक्ट कर रही है डिसकनेक्ट कर रही है सो so, और फिर कुछ उनकी अपनी प्रैक्टिसेस भी हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं मैंने कहा ना बहुत सारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी ना पाकी ना पाकी के हवाले से बात की थी तो सफ़ाई तो आपको बहुत सारे माशरों में नज़र आएगी ना लेकिन सफाई का क्या लेवल है आप किस चीज़ को सफाई मांग रहे हैं मान रहे हैं या किस चीज़ को वो कर रहे हैं उन मुल्कों से सैंडबॉक्स बॉक्स आए वहाँ उन्होंने शुरू में वो भी इस इन मुल्कों की बात नहीं करी वेस्ट की बात करी क्योंकि उन उन्होंने भी बड़ा ये कीचड़ गांधी इसको वो कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को उठा के फिर सैंड बॉक्सेज में बिठाया और मट्टी में बिठाया मड बॉक्सेस बने तो सैंड बॉक्सेज बने कि वो उन बच्चों का कनेक्शन जो है वो उसके साथ दोबारा इस्टेब्लिश हो जाए सो द थिंग इज़ के इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इर्द गिर्द आपके क्या वो एक मेन स्ट्रीम चल रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उन माशरों में शायद आसानी है और सेल्फ़ रिफ्लेक्शन है वहाँ कोई नहीं देख रहा वहाँ जो है मेरा ख़्याल में प्रीचिंग नहीं हो रही चीज़ों की आ, सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है लोग अपने साथ अपने ज़मीर के साथ ज़्यादा बैठते हैं हमने शायद ज़मीर के साथ बैठना छोड़ दिया है, हम दूसरों के साथ ज़्यादा बैठे हुए होते हैं जब कल एक तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं और एक कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं तो हमारा पाकिस्तान की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारा कल्चर के साथ इत, इस हद तक डिसकनेक्ट हम हो जाएं और लेकिन हम हो गए हैं वो वाली न, हमें नज़र आती क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कल तक तो एक ही मुल्क थे ना तो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस तो सेम थी एक ही खत्ते के रहने वाले लोगों की एक सेम प्रैक्टिस होंगी लेकिन सत्तर पचहत्तर साल में वो कल्चरल प्रैक्टिस तो मुझसे कहोगी कि मैं इसमें भी ले नहीं वो उस, उस, उसका लाना जरूरी मसाले की पूरी <laughs> वो बन जाए उस, बन जाए उसका लाना जरूरी है क्योंकि शायद वो बहुत बड़ी वजह है भाई आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि मेरे नाना जो थे वो ही वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द ब्रिटिश राज जो था उसके अंदर ही वॉज डिप्टी कलेक्टर बहुत बहुत बड़ी पोस्ट थी उनकी और जो उनका लाइफ स्टाइल था बहुत ही एंड वो सा उस ज़माने के लिहाज से और आ, हमारे घर के अंदर डाइनिंग टेबल हमेशा से थी भाई तो जब मैंने आंखें खोलें तो हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे और आ, हमारे यहाँ बड़ा बुरा समझा जाता था ज़मीन पे बैठ के खाना खाना ठीक है वो बहुत बुरा समझा जाता था लेटर ऑन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक असूल बनाया था कि हम मैं और मेरे हस्बैंड जमीन पर बैठ के खाना खाते थे और जब तक हमारी टांगे इजाज़त देती रही हम खाते रहे कहाँ से आई चीज़ टेबल पे बैठ के खाना खाने में खाना ज़्यादा हजम हो रहा है क्या <laughs> ज़्यादा एक लीड सिंबल है ना हमें एक ब्रिटिश राज से चीज़ मिल गई आप बड़े साहब हैं बाबू साहब हैं कोट पेंट पहन के वैसे भी ज़मीन पर बैठना बहुत मुश्किल है लेकिन चलो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द बहुत नज़र आएंगी जो बायात हैं क्लिनलिज़म की जो हम अभी भी कैरी कर रहे हैं अब जो हमारे बच्चे हैं अब थर्ड जनरेशन आ गई ना उनके जहन में वो कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है उनका क्लीन स्लेट है उनका दिमाग क्योंकि बाय दैट टाइम उनका दिमाग अब वो हो गया है वो स्लेवरी के उससे निकल चुके हैं वेस्ट की ठीक है वो अब अपनी चीज़ें करें तो जो करें लेकिन हमारे अंदर तक तो आया ना ये बात थ्री ज... मतलब थर्ड जनरेशन तक तो तकरीबन चलती है ना ये बात तो वो हमारे अंदर थी चीज़ें इस वजह से हमने उस हर चीज़ को रिजेक्ट किया हम पूरे माशरे को गोरा होने का शौक़ है एक से एक की क्रीम हमारे पास मौजूद है ठीक है हम अपना ओरिजिनल कलर डिसोन करते हैं क्योंकि वो कह दिया गया कि वो बुरा है मैंने कहा ना सारी 12 मसालों की खिचड़ी है उस पे बात और हाँ। उस पे बात करना बहुत जरूरी है हाँ। क्योंकि हमें कहीं से उसका सिरा तो मिले ना कि चीजें खराब कहां अच्छा से हुई अच्छा, और ठीक कैसे होनी अब मैं नेचर पे जाऊंगी ना कि एक इलाके का एनवायरमेंट उसका जो उसका ते, जो टेंपरेचर है जो उसकी ह्यूमिडिटी है जो उसका पूरा वो है वो डिटर्मेंट करेगा कि आपके स्किन का कलर कैसा होगा आपकी स्किन की रेजिलियस कैसी होगी हमारे इलाकों में स्किन कैंसर नहीं है जो वेस्ट के अंदर है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे अंदर वो पिगमेंटेशन जो है जो कि यू वी रेस से हमें बचाती है वो मौजूद है सो द थिंग इज के उसी को हम मारने के चक्कर में लगे हुए हमें वो सफेद चाहिए हम सब ने गोरी मेम बनना है ठीक है ना और उसमें हम बहुत खुश हैं सो वी गो अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स जो हमारे अपने वो सारे हैं ना क्योंकि वो हमें बता दिया गया अगेन वही सारी कहानियाँ कि वो सब बुरा है वो गलत है वो एक्सेप्टेबल नहीं है वो जाहिल है वो गंवार है वो एक और मुझे बात याद है कि हमारे आ, मेरे नाना को बहुत बुरा लगता था कि वो जो चाय को हम प्ले पिर्चों में डाल के ना ठंडा करके सड़प्पा मार के पीते हैं तो मेरे नाना को ये बात बहुत बुरी लगती थी तो अब्बा को हम जब तंग करना होता था मैं बहुत छोटी एज थी जब अब्बा की डेथ हो गई बट आई वॉज वेरी क्लोज टू एम तो मैं अब्बा को यूँ करके देखती थी फिर मैं चाय मैंने यू करके डालती थी फिर यू कर अब मुझसे नहीं कहते थे बट वोट आई रिमेंबर इज कि अब्बा यूज़ टू डिसलाइक ऑल दीज थिंग्स मेरा नाना को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी तो वो एक पूरा माशरा जो था उस वक्त वो अंग्रेज़ के उसके अंदर वो होते हुए उसमें हर चीज़ की रिजेक्शन थी कलाफ लग लगे हुए कपड़े भाई कड़कड़ाती कर हुई शर्टें सारे अब कलाफ हमारे शायद उसमें तो लगता होगा पक के अंदर लेकिन शायद लट्ठे के अंदर भी लगता होगा लेकिन वो जो वो पतलूनों को और उसको लगाना और फिर वो सारा जो लिबास था और वो सारी चीज़ें थी तो वह दिस इज़ दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग ना मैंने I mean, जब आप उसके उसको रिफ्लेक्ट करते हो फिर आप आज के प्रेजेंट पे आते हो दिस इज़ व्हाट आई डू एवरी डे मैं उन पास प्रैक्टिसेस को देखती हूँ और मैं आज के अपने रवैयों को देखती हूँ और इर्द गिर्द लोगों के रवैयों को देखती हूँ और वहाँ से फिर मैं डिटर्मिन करती हूँ कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और वहाँ से फिर मैं लोगों से कनेक्ट करती हूँ या मैं अपनी बेटी को भी कुछ बताना है या अपने स्टूडेंट्स को तो मैं पता है बताना है तो वहाँ से मैं फिर आती हूँ और उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न एंड लॉजिक होता है तो जो सारी बातें हमने इस वक्त की हैं ये ये नहीं है कि ये हवा के मफरूज़ें हैं या मैंने सोच ली हैं या मेरे अंदर इनका एक कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है ये रीज़न एंड लॉजिक के ऊपर है जो सबके अंदर जो है ना ठक करके बोलता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं अनकम्फर्टेबल होते हैं चलो आ, अर्थ डेमोक्रेसी की बात होती है और आपने जो अभी कहा कि हमें सबको रंग तो गोरा चाहिए लेकिन अगर कभी कोई आइडियोलॉजी वहाँ से ऐसी आ जाती है जैसे हालाँकि कहा यह जाता है कि इको फेमिज़म जो है वो इस खत्ते की देन है लेकिन चलें यहाँ यहाँ का ये वाला क्रेडिट भी बाहर ही चला जाता है लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि बाहर से भी ये कॉन्सेप्ट आया इवन डेमोक्रेसी का भी कौन सा हमारा अपना है लेकिन जो अर्थ एकोफेमिज़म है या अर्थ डेमोक्रेसी की जो बात होती है तो उस पर आप कैसे देखते हैं क्योंकि सॉरी हाँ मैं इसमें तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर उनकी स्टडी थी भी ना तो वो इंडिजनस लोगों के लिए से थे उन्होंने जो स्टडीज़ की हैं वो उसको जो लिंक करते हैं ना वो हमारे ही ख़ते के या अफ्रीका के उन पर ख़वात की लाइफ ऑब्जर्व करके करते हैं ठीक हो गया तो एक वो वहाँ से बड़ा बाइस इको फेमुनिज़म के हवाले से आ जाता है दूसरी चीज़ जो अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिजिनस लेवल के ऊपर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं इको फेमुनिज्म की जिनका कोई ताल्लुक उस थेरी से नहीं है जो वेस्टर्न है जिसके अंदर मुझे अब जो एक फ्रेश दिमाग में आ रही है जो कि बहुत फेमस भी है वो चिपकू मोवमेंट है चिपको मोमेंट जो है वो हिमालयस की जब उस वो जो सारा एरिया था जहाँ वेरी एक्टिव लॉगिंग हो रही थी दरख्त काटे जा रहे थे और जो वो कंपनी वहाँ इन्वॉल्व थी वो मतलब जाहिर है और ये कोई तकरीबन सौ साल पहले की बात है इससे भी ज्यादा की ये, ये की बात है ये चिपको मोमेंट की नहीं इससे पहले की बात है एक्चुअली रूट्स काफी पहले वाला, काफी मैं पहले वाले की बात कर रही मैं जो असल था उसके बाद तो रेप्लीकेट हर जगह हुई है अच्छा हुआ क्या कि जो ओरिजिनल चिपकू मूवमेंट है वो उसमें ये था कि एक गांव की औरत ने क्योंकि दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं है एक औरत के लिए दरख्त बहुत कुछ है वो साया है वो वो जगह है जहाँ उसके बच्चे खेलते हैं साय में ठीक है उसका फल खुराक है उसकी बार्क पत्ते मेडिसिन है ठीक है हर्ब्स हैं या मेडिसिन है और जो मतलब वो एक आपके इलाके के अंदर वाटर टेबल मेंटेन करने का भी वो है फायरवुड है वो जब वो शाखें गिराता है या जो उसकी सूखी शाखें आप सर्दी में वो फायरवुड है तो वो उसके लिए सिर्फ़ एक दरख्त नहीं है कैपिटलिज्म मर्द के लिए उस दरख्त है उसकी एक कीमत है उस औरत के लिए पूरा इकोसिस्टम है लाइफ साइकिल है वो उसके लिए तो ये हुआ क्या कि एक नेायत जाहिल अनपढ़ औरत जिसने किसी भी इको फेमिनिज्म का नाम भी नहीं सुना हुआ था जिसको कुछ नहीं पता था कि फ़्रेंच खातून ने इको फेमिनिज्म पे थेरी लिख दी है और बात कर ली है उसने क्या किया कि उसने और गांव की औरतों को इकट्ठा किया और जिस दरख्त को कटना था वो उसके इर्द गिर्द हाथ करके उन्होंने उसके उसको झप्पी मार ली उसको पकड़ लिया अब वो नहीं काट सकते थे औरतें खड़ी हुई थी वो सुबह से लेकर शाम तक खड़ी हुई हैं उन्होंने अपने इलाके के दरख्त बचा लिए लॉगिंग से क्योंकि वो जाके खड़ी हो जाती थी वो पूरा दिन खड़ी रहती थी वो कब काटे और ये मूवमेंट बहुत जगह रेप्लिकेट हुई है ये बाद में जो ट्री हगिंग मूवमेंट आई है ना ये वहीं से आई है वो जो हेमा वाली जो स्टोरी है जो ओरिजिनल वो है सो so, ये नहीं है कि हो नहीं रहा था एक्टिविज़म जो है उस लेवल के ऊपर था लेकिन द थिंग इज के अगेन जिस औरत का कंसर्न है ना अब एक शहर की औरत को क्या फ़र्क पड़ता है कि दस कर दरख्त कट जाए उसको तो चूल्हे में गैस मिल रही है उसको तो जाके फायरवुड नहीं इकट्ठा करना ना आज की जो जनरेशन है ख़ास तौर पे जो ख़वा हैं और फिर आगे बच्चियाँ क्योंकि हम औरत के लिहाज से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आ, उनको मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे आपके वो आ, उस कनेक्शन को रीबिल्ड करें क्योंकि हम जो कॉन्सिक्वेंस हैं उस कनेक्शन टूटने के वो तो सारे देख रहे हैं मतलब सबको पता है कि बाहर गायब हो गई है और गर्मियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई हैं सर्दियां बहुत थोड़ी रह गई हैं आ, ये वाज साइंस जो हैं जो हम देखते हैं ये फ्लड्स ये ड्राउट्स की सूरत में देखते हैं इन पे कुछ ना कुछ तो बात हो रही है लेकिन ये सा, सारा जो है वो किस वजह से है और हम उसको अंडू कैसे करते हैं उसके लिए हम अपनी जनरेशन आ, को किस तरह से आ, करेंगे उस देखो एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी पुराने आ, हमारे दौर के अंदर हमारे यहाँ कम्यूनिटी सर्विस होती थी स्कूल कॉलेज़ के अंदर और उसमें पौधों की प्लांटेशन भी होती थी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ भी होती थी गमलों को पेंट करना भी होता था इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी सो आई थिंक एक तो हर स्कूल के अंदर एक हफ़्ते के अंदर आप एक पैच किचन गार्डन के नाम पे या वो कर दें तो एक हफ़्ते में एक क्लास जो है अगर आप बच्चों को वो प्लांटेशन में इन्वॉल्व कर लें अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें तो वो वहाँ से आएगा उन बच्चों का ठीक है क्योंकि आप अब हमारी एज की खुतिन से बात करेंगे जिनको ब्रांड से की सेलों से और फला वॉल्यूम से फुर्सत नहीं है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना तो वी हैव टू तो स्टार्ट विद आउट चिल्ड्रन तो एक तो ये कि स्कूलों के उसके अंदर एक अब ज़रूरी हो जाना चाहिए कि उनको बच्चों को ये एक्टिविटी कराई जाए सी सीड्स का बताया जाए उनको प्लांटिंग का बताया जाए थोड़ा सा एक किचन गार्डन फिर हर कोई अपने घर में एक किचन गार्डन बना सकता है चाहे स्पेस हो के ना हो इवन जो गलियों वाले घर हैं ना उसके अंदर भी आप नालियों के ऊपर वो रख के ना सीमेंट वाली क्यारियाँ रख के आप अपनी दीवारों के ऊपर बेलें चढ़ा सकते हैं दस तरह की तोरी वोरी ये सब बहुत आराम से हो जाता है किचन गार्डन तो आई थिंक हर कोई कर सकता है सिर्फ आपने देखना ये है कि आप और अब महंगाई इतनी हो रही है कि मेरा ख़्याल में इस महंगाई की वजह से कुछ लोगों को होश आ जाएगा कि वो मतलब तीन सौ रुपए प्याज के बजाय अगर वो खुद अपनी प्याज लगा दें या सत्तर रुपये पाओ मिर्चें लेने के बजाय अपनी एक पौधा लगा दें मिर्चों का तो बहुत फ़ायदा है बट देन द थिंग इज़ कि जो बच्चों से चीज़ आएगी वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगी क्योंकि उनके अंदर इनबिल्ट होगा ये सिलसिला और कोई मुझे तरीका समझ नहीं आता बिकॉज द थिंग इज़ कि देखो हमारी सोसाइटी और जो शहर हमारे शहर हैं हमारे घर हैं वो एक बहुत ही आर्टिफिशल उसके ऊपर चले गए हैं और एक बहुत डिस्कनेक्ट है हमारा हम बाहर नहीं निकलते लोग लॉनों में नहीं जाते इतने खूबसूरत खूबसूरत लॉन है लोग लॉन में जा नहीं बैठते लोग छतों के ऊपर नहीं जाते जाते थे किसी ज़माने में पतंग उड़ाने अब तो वो भी पाबंदी है तो नहीं तो तो जब आप डिस्कनेक्ट हैं आप अपने उस क्यूबे उसके अंदर एक सीमेंट के ब्लॉक में बैठे हुए हैं तो फिर आप डिसकनेक्टेड हैं अच्छा आप तो क्योंकि हीलिंग भी करती हैं तो आजकल बहुत टेंशन और स्ट्रेस और एंगजाइटी ये वाले अल्फाज बहुत आम हो गए हैं और अगर आप अब भी किसी बड़ी उम्र के खातून या मर्द से पूछें तो वो कहते हैं वो क्या होती हमें तो नहीं पता था कि स्ट्रेस क्या है या ये लाइलमी है या वाकई अब हालांकि हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत इकट्ठी कर ली हैं जो हमें लगता था कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आ, आ, हमारे लिए खुशी का बायस है लेकिन उसके बावजूद हमें स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो इसकी इसके दो 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 हैं अगेन एक अर्थ से रिलेटेड है एक आप होता है अर्थ का सर केडियम रिदम कहलाता के है ना जो कि जैसे ही आपका जब जैसे मगरब होने लगती है दिन छुपने लगता है तो इंसान को का जो है ये सारे जितने भी वो हैं जो कोई आपके सन और मून को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको खुद ब खुद आपको नींद का एलिमेंट जो है ना आपको गनूदगी होने लगती है अच्छा हमने क्या किया है कि हमारी रात एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई है हम अपने टैबलेट्स के ऊपर हैं हम अपने टीवी के ऊपर हैं ड्रामे चल रहे हैं न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं एंकर्स चल रहे हैं और रात के बारह बजे तक हम नींद को भगा रहे हैं अच्छा वो जब हम इस रिदम के साथ थे ना तो लोग सोते जो अभी भी गाँव में हैं लोग छो सो जाते हैं छः बजे शाम के सात बजे डिनर किया रात का खाना खाया सो गए सुबह फजर के वक्त उठ गए जब दिन निकला हर तरह के डिसिप्लिन के अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर किसी पे सुबह का उठना अर्ली राइजिंग एंड अर्ली स्लीपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ ये सारा रिदम हमारा ख़राब हो गया पूरी दुनिया ही का ख़राब हो गया और हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है तो इनका तो बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये तो दो दो तीन तीन बजे तक जागते रहते हैं बच्चे ना इनके सामने टैबलेट्स होती हैं और वाइट लाइट जो है वो एक स्ट्रेस इनविजिबल स्ट्रेस आ रहा है वहाँ से आप अपनी बॉडी के रिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं आप नेचर के रिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं एक स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है एक तो मतलब बेसिकली बहुत बड़ा रीज़न ये है जो कि इनविजिबल है जिसको आप कह नहीं सकते भाई आप एक दिन उठ रहे हैं आप थके हुए हैं आप कुछ नहीं किया दूसरा दिन अच्छा था किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कोई काम कर क्यों स्ट्रेस है कुछ तो है ना दिस इज़ द थिंग दी अदर थिंग के हमने अपनी लाइफ को अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर एक स्परिचुअल एलिमेंट डालूँगी कि हमने अपनी लाइफ को ना आ, हम पास्ट में रह रहे हैं और फ्यूचर में रह रहे हैं हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं। हमारे सर पे हर वक्त की वरी अगर मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं आई हूँ तकरीबन सवा घंटे की ड्राइव करके ना तो अगर मैं कोई और हूँ तो मुझे यू मुझे तो एक घंटे के बाद दोबारा से डेढ़ घंटे की ड्राइव करके जाना है तो कितना रश होगा तो मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम उस उसमें रह रहे हैं ठीक है अब अभी वो मोमेंट आया नहीं है हो सकता है रश ना हो हो सकता है मुझे रोडें साफ मिल जाएं लेकिन इस मोमेंट को मैंने बर्बाद कर लिया ये सोच सोच के कि मुझे रश मिलेगा तो हम फ्यूचर में हैं हम पास्ट में मेरे साथ तो ये हो गया मैंने तो ये सफ़र कर लिया किसी के साथ नहीं होता मेरे ही साथ क्यों होता है सारी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो फला अब हम इस हद तक विक्टम बन गए उस लम्हे अब इस लमहे कुछ भी नहीं हो रहा वो सारा ओवर एंड डन विद है बीस साल पहले बीस साल पहले कहानी हुई थी ठीक है हुई थी ख़त्म हो गई आज बीस साल के बाद कुछ भी नहीं हो रहा बट इस लम्हे भी हमें विक्टम बनना कबूल है हमें उसकी वाइब्रेशन में रहना कि हम हाई बिचारी बिचारगी वाली बाई वाइब्रे ये हमने बर्बाद कर दिया मोमेंट सो so, जो ये इस मोमेंट की चीज़ें हैं वो क्या हैं टू ऑब्जर्व टू बी इन्वोल्व टू बी हेयर जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं ये सब बैठे हुए एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व होके हम अगर इस मोमेंट में इन्वॉल्व नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्सेशन के, के ज़रिए हो या आप किसी भी चीज़ के ज़रिए आप वॉक करने जा रहे हैं आप इर्दगिर्द ऑब्ज़र्व करें आप एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें यू आर प्रेजेंट देयर, तो वो प्रेजेंट हम लूज़ कर रहे हैं जब हम प्रेजेंट लूज़ कर जाते हैं और इन दोनों चीज़ों में रहते हैं तो स्ट्रेस तो आएगा दिस इज़ अनदर थिंग दूसरी चीज़ हमने ख्वाहिशात, हर किसी की ख्वाहिश है लेकिन जो एक सिंपल लाइफ होती है वो सिंपल लाइफ ये होती है कि आ, उस सिंपल लाइफ में लोग जजमेंट पे नहीं होते एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल ये है कि मैंने आज जगह फला जगह मेरी पार्टी है मैंने जाना है तो मैं कौन से कपड़े पहनूं? तो अगर मैं ये कपड़े पहनूंगी तो मैं फ़ला जगह पहन के यही कपड़े गई थी तो ये तो कपड़े चार लोगों ने देखे हुए तो मुझे मेरे पास कपड़े कम हैं मुझे कपड़े और चाहिए सारा जो थाट प्रोसेस बन रहा है वो क्या है मुझे कपड़े और चाहिए अब क्या है कि एक हज़ार करोड़ जो कपड़े पड़े हुए वो रिजेक्ट हो चुके हैं वो जो कपड़े और चाहिए उनके लिए रिसोर्स चाहिए अब रिसोर्स के लिए मैं वो बोल रही हूँ कि नहीं पैसे तो नहीं है तो पैसे नहीं हैं तो फिर कपड़े कैसे आएंगे तो कपड़े नहीं है तो मैं तो बाहर ही नहीं जा सकती फिर सो so, वो जो वॉन्टिंग का लेवल है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि उसमें भी आप प्रेजेंट लूज़ कर रहे हैं कि चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त चाहिए और वो चाहिए किसी तरह ख़त्म नहीं हो रहा और वो ये मटीरियलिज़म और कंज्यूमरिज़म की सबसे जो बकवास चीज़ जिसको मैं कहती हूँ वो ये है कि नो मैटर हाउ मच यू हैव इट्स नेवर एवर इनफ बिकॉज यू डो आर ऑलवेज़ इन दैट क्वेस्ट ऑफ आस्किंग एंड वॉन्टिंग मोर तो जो वो वॉन्टिंग एंड वाइनिंग वाली चीज़ है ना वो आपके अंदर बहुत स्ट्रेस पैदा करती है कंपटीशन और अल्टीमेटली उसका असर जो है वो आ, हमारे इन्वामेंट पे हो रहा है और आ, कपड़े उस भी तो कहीं से आ रहे हैं ना प्लांट्स बहुत सारा डाटा मटेरियल वहीं से है तो फिर जी सो थे तो थे हम अब चाहेंगे कि थोड़ा सा ऑडियंस को भी इन्वॉल्व कर लें और कर अगर कुछ कमेंट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो वो भी ले लें सही दिल भर के बक कर दिया सबको अस्सलाम वालेकुम और वा सारे आपको जी जी आ, मेरा नाम मति कालो में मैं गिलगित बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूं और एक सोशल एन जी ओ से मैं मुंसलिक हूँ इस्लाम में जब आप हम पाकिस्तान में जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इस मुल्क में कहीं पर भी नज़र नहीं आती ह्यूमन राइट्स ना माशरे में नजर आती है ना घर में नज़र आती है ना वर्क प्लेस में नज़र आती है रिसेंटली गिलजित बल्चिस्तान में एक केस उबर रहा है सोशल मीडिया पर शायद यहाँ पर जितने भी सामिन बैठे हैं उनसे उनको पता होगा दो माह पहले एक लड़की अगुआ होती है मतलब उसके वालद के लापत हो गई है उन्हीं दौरान ही उनके वालिद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने के अंदर फिर उनको डेट पे डेट दिए जा रहे हैं अभी तक फिर एक साथी उसके घर जाते हैं बेचारा मजदूर है उसका बाप गरीब है आपको पता है यहाँ गरीब की तो खैर कानून मानती ही नहीं है एक साथी जाके उससे इंटरव्यू लेता है फिर ये केस सोशल मीडिया में उबल के सामने आ रही है ठीक है फिर लोग तरह तरह से इसको देख रहे हैं कोई कह रहा है लड़की भाग के गई है कोई कह रहा है किडनापिंग केस है तो फिर दो दिन बाद लड़की मंसरे में पहुंची है वो छोटी बच्ची वहाँ उससे एक बयान दिलवाते हैं कि मुंह में किसी ने लॉलीपॉप दिया है शायद कोई इस तरह का इशू हुआ होगा वो कहती है कि जो भी मेरा वालिद कह रहे हैं वो सारे झूठ है ठीक है मैं अपनी मर्जी से आई हूँ मैंने निकाह की है अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की कानून खुद कहती है कि सोलह अट्ठारह साल से नीचे लड़की निकाह नहीं कर सकती ठीक है तो अब लड़की की जो बेफाम है लड़की की उसमें उसकी एज बारह साल है ठीक है अब ये कैसे पॉसिबल है हम हर जगह में कॉन्फ्रेंस करते हैं सेमिनार्स देते हैं लेकिन हम सिर्फ अवेयरनेस ही तो दे रहे हैं लेकिन हमने आज तक अमली तौर पर क्या किया इस पर आप ये केस भी सेम दुआ जारा का जैसा केस है जो कराची में होता है तो आप इस पे क्या कमेंट करना चाहिए इसके क्या सलूशन है कौन जिम्मेदार है थैंक यू देखिए मेरे पास वही एग्जाम्पल जो आपने खुद दुआ जहरा का दे दिया दुआ जहरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई आप मुझे बताएं दुआ जहरा का इस, इस तरह कैसे चला गया पॉजिटिव कैसे हो गया कौन सी ऐसी चीज़ थी कौन किस वजह से हुआ जी उसका बाप उसका बाप उसका बाप वो पहाड़ था वो पत्थर था जिसको कोई हिला नहीं सका वो मर्द तो बात देखें फिर वही आ, आ रही है ना बात बात ये है कि और उसका बाप कोई पॉलिटिशियन तो नहीं था कोई बड़ा बंदा तो नहीं था एक आम आदमी था एक बाप था बेचारा बस ठीक है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बेटी के लिए वो करने की उसको ये भी परवाह नहीं थी कि बेटी और मेरी बदनामी हो रही है हमारे यहाँ तो पहले मसला ये बन जाए कि इस बात को छुपा दो क्योंकि बाप की और भाई की बदनामी है हमने एक एग्ज़ाम्पल से देख लिया कि जब एक बाप ने आवाज़ खड़ी उठाई तो रिजल्ट उसका क्या सामने आया तो अगर एक पेट्रियाकल माशरे में अगर ये माशरा डिफ़रेंट होता और यहाँ पेट्रिया पिदर नहीं होती तो मैं और कोई बात करती लेकिन ये तो बुनियादी पिदरसरी माशरे की हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं ना तो इस पिदरसरी माशरे में फिर वो जो कि पेट्रियाक है जो कि वो है वो बाप है वो अगर आवाज़ उठाएगा या वो साथ खड़ा होगा तो फिर किसकी मजाल है फिर किसकी मजाल है और ये हमने देख लिया बाप भाई अगर खड़े हो जाएं, पूरा ट्राइब के लोग उठ के आ जाएं, मर्द आ जाएं, क्या कैसी ऐसी की तैसी कौन वो करेगा लेकिन वो नहीं करेंगे और वो नहीं करते क्योंकि उनको अपनी हर औरत के अंदर मर्द की इज्जत बैठी हुई है भाई ठीक है मर्द की इज्जत कहीं नहीं है औरत के अंदर है और ये जो इज्जत जो है ना बस इस इज्जत के ही सारे वो हैं सारी कहानियाँ हैं बस है अली अब्दुल्ला है और मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ने का थोड़ा शौकीन हूँ जो आपने अभी बात कर रहे थे इसमें थोड़ा एडप्ट करूँ कि पिछले एक वीक में दो इवेंट्स हुए जंग बाजार का कि वहाँ पे किसी एक अफेयर था कोई दो नौजवानों का जिस पे एक लड़की को फायर कर दिया गया बाज़ार के अंदर खड़े होके। दूसरा इस पे एक कल का मेरा ख़्याल केस है पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग का जहाँ पे एक बाप और भाई ने एक कमरे में छुप के अपनी बेटी का गला दबा दिया जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो चुकी है तो इस पर मैं ऐडअप करना चाह रहा था मेरा क्वेश्चन आपसे ये था सॉरी थोड़ा दूसरी साइड पर जाएगा क्रिटिसज़म पे भी आ सकता है क्वेश्चन ये था कि आपने बात की थी कि विमेन जो है ना वो रिसोस का ख़्याल कर रही हैं वो रिसोर्स सिर्फ वही बचाती हैं दूसरी तरफ आपने मैन को थोड़ा सा ब्लेम किया सॉरी ब्लेम नहीं किया आ, हो सकता है रियलिटी और कुछ माशरों में आपने उसके मतलब ये बताया कि कैपिटलिज्म की वजह से वो रिसोस को एक्सप्लॉयट कर रहा है वो उसका ख्याल नहीं कर रहा दूसरी तरफ पे विमेन उसका ख्याल कर रही हैं तो इस पर फैक्ट्स पर तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन जो हमारी रियल ऑब्जर्वेशन है हमारी सोसाइटी की अगर बात कर ली जाए सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए Uh, तो मेरा ख्याल आप इस बात पे शायद इतफ़ाक़ कर जाएं कि हमारे यहाँ जो स्पेंडिंग है वो सेवेंटी टू एटी परसेंट वीमन की है और ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट मैन की है और जिसके अंदर अगर हमारी विमेन uh, की इकॉनमी में पार्टिसपेशन देख ली जाए तो उस पर मैं एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं दे सकता वेरी सॉरी लेकिन uh, यकीन आप इतफाक़ करेंगे कि वो बहुत कम है uh, जिसमें स्पेंडिंग uh, uh, की जो बात कर रहे हो तुम ये वो कह रहे हो तो वो मतलब uh, साल के अंदर तीन शर्टें लेते हैं ये वाली बात कर रहे हैं बीस ले लेंगे शायद हाँ ठीक है वो वाली बात कर रहे हो ना स्पेंडिंग जी स्पेंडिंग हाँ, में वो हर तरह की स्पेंडिंग आपकी जो भी अपने ऊपर अपनी जात पे कितना अपनी जात पे हाँ। स्पेंड करने हाँ। की बात ये एक कॉमन प्रैक्टिस समझी जाती है कैपिटलिज्म के अलावा भी इस पे आप कमेंट कीजिएगा प्लीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थैंक यू तुमने ये कर लिया बात अच्छा अब देखो जो तुम्हें हमें नजर आता है ना There are things. तुम्हें अब तुम्हारे अपने घर की बात करूँगी जो इन मुझे पूरा यकीन है वो होगा क्योंकि घर अच्छा, कि में कितनी दाल लगती है मसूर की दाल कितनी इस्तेमाल होती है आज कल तो इसलिए दूध कितना किलो आता है? नहीं पता दूध का थोड़ा सा आइडिया है थ्री लीटर डेली ठीक है ये किसके हाथ में ए, मदर के कह सकते हैं किसी हद तक ठीक हो गया मदर कहाँ स्पेंड कर रही है मदर बच्चों पे स्पेंड कर रही है ज़्यादा बजट चला रही है उसको पता है मसूर की दाल गोश्त आटा महीने में चार घर के अफराद हैं कितने घर के लोग हो छः छः तुम्हारी माँ के अंदर वो सुपर कंप्यूटर फिक्स है जो कि उसको बता रहा है कि छः लोगों के लिए पूरे महीने में मेरे पास हैं पचास हजार रुपये पर्स करो तो मुझे इतना राशन करना है कि वो पूरा एंड तक स्ट्रेच कर जाए जी हो रहा है जी बिल्कुल ऐसे लेकिन हम इसको आ, अगर आ, आपने मॉडर्निज्म की बात की आपने पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की तो सिर्फ हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक मदर पे हमने इसको सिंगल पेरेंट्स पे भी लेके जाना है आपने इसको सिंगल वमन पे भी लेके जाना है हाँ। सिस्टर्स पे भी लेके जाना है जॉबियन वमन पे भी लेके जाना है जिनके बच्चे नहीं उन पर भी लेके जाना है तो फिर उस तरह हम कैलकुलेट उसकी स्पेंडिंग करेंगे सिर्फ मदर की स्पेंडिंग कर... देखो बेसिकली जो यूनिट हम उस वक्त बात कर रहे हैं ना जो जो तुम कर रहे हो ना जिस लेवल के ऊपर भी वो तो फिर जुअल्स पे तो आप कहीं भी वो चले जाएं अब हमारे माशरे में बहुत सारी खवीन हैं जिनकी शादी नहीं हो रही वो अकेली रह रही हैं ठीक है ना जो बच्चे भी नहीं हैं उनके ना उन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हमें तो मर्द भी इस तरह रहते हैं बहुत सारे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे जब हम किसी उसके ऊपर जाते हैं तो हम एक जिसको कहते हैं ना एक जनरलाइज किस्म की उसके ऊपर जाते हैं तो हम एक हाउस होल्ड यूनिट की बात कर रहे थे जिससे बात कहानी स्टार्ट हुई है ठीक है आप उसमें वो इक्वेजन नहीं लेके आ सकते वो जहाँ जो इंडिविजुअलिस्टिक वो चीज़ है वो एक डिफरेंट कहानी है हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो हम एक हाउस होल्ड एक औरत के उस रोल की जहाँ वो ये सब चीज़ें बैलेंस कर रही है चाहे वो विलेज हो चाहे वो शहर हो वो और चाहे वो इधर की हो या इधर की हो ठीक है ना सोशल उसकी बात करें अगर हम क्लास की बात करें तो वह हम उसकी बात कर रहे हैं दूसरी बात तुम कह रहे हो पर्सनल स्पेंडिंग्स के हवाले से मर्द की पावर कभी स्पेंडिंग में नहीं है इफ यू हैव स्टडिड पेट्री या अगर तुमने पढ़ोगे तुम पेट्रियाकी के कुछ जो हैं मर्द की पावर स्पेंडिंग में नहीं है मर्द की पावर है कंट्रोल एंड एसेस क्या करना चाहिए उसको क्या आप अपने उसमें उसमें रखने पोजेशन के अंदर समझ लो सौ मुरबा जमीन ठीक पांच गाड़ियाँ तीन घर मार्क जुकरबर्ग वही पुरानी टी शर्ट हर जगह पहने रहता है पावर उसकी उस टी शर्ट के अंदर नहीं है उसके उस कैपिटल उस सारे उसके अंदर है जो जो उसकी एंपायर है उसके अंदर ठीक है उसको फर्क ही नहीं पड़ता वो वही टी शर्ट पहने जाएगा पहने जाएगा पहने जाएगा इसी तरह मर्द को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने कमीज़ क्या पहनी हुई है पतनून उसकी कितने लोगों ने देख ली क्योंकि वो इस पे तो जज नहीं हो रहा वो किस पर जज हो रहा है कि कितने मुरबे जमीन है तो तो, तो, तो कितनी लेक्सेस गाड़ियाँ हैं तो कितनी रोलेक्स घड़ियाँ हैं तो कितना उसके पावर सिंबल्स डिफरेंट हैं उसके लिए जो मीनिंगफुल चीज़ें वो डिफरेंट हैं

उसके मैं बात नहीं कर रही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सिंबल्स ये जो सिंबलिज्म है ना हर इंडिविजुअल और हर उसके साथ ये डिफरेंट है तो मर्द का जो पावर का इजहार है या उसकी उसका वो बहुत डिफरेंट है उसका वो नहीं है औरत का क्या है औरत पहले उस केव में जब भी होगी ना तो उस वक्त उसको सबसे खूबसूरत वाली खाल चाहिए होती होगी मेरा बुरा यकीन है तो उसका जो है वो डिफरेंट है इट्स फाइन नहीं हम कभी भी नहीं।, नहीं, नहीं कहते कि औरत और मर्द मैं जिस उसको बिलोंग करती हूँ जो मॉडर्न थॉट है वो ये है कि हम ये कहते ही नहीं मेरा तो मुकाबला ही नहीं है मर्दों के साथ मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है मर्दों के साथ मुझे बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए मुझे तो अपना अपने पोटेंशियल के साथ खड़ा होना है इस माशरे में या किसी भी माशरे में वहाँ अगर मेरे सामने कोई आ रहा है तो यस वहाँ मैं उसको गिराऊंगी तो मेरा मुकाबला तो उस बंदे या बंदी या इंस्टीट्यूशन के सामने है जो मेरे पोटेंशियल को डाउन कर रहा है ये, मुझे मर्दों से ये कोई वो नहीं है ये आपने डायरेक्टली मेरी वोल्शन को आ, कोट कर दी है मुझको नहीं पता मुझे नहीं पता तुम लोगो को ज्यादा पता है मैं तो वहाँ से बोलती हूँ जो मेरी रूम से निकलती है बात। इसके ऊपर वैसे हम एक और सेशन रख सकते हैं क्योंकि ये कहानी यहाँ खत्म होने वाली नहीं, मैम ने जो बात एक फैमिली यूनिट तक की है या मदर के यूनिट तक की है वहाँ तक मैं टोटली एग्री करता हूँ तो इसलिए मैंने स्टार्ट में माजरत कर ली थी की बात थोड़ी साइड पे जा सकती है अच्छा ये करो बिकॉज इन्ही से बातें निकलती है

उसका एक एस्पेक्ट ये भी तो है ना कि ये वाला प्रेशर औरत को दिया किसने है उसने खुद से प्रेशर ये बिल्ड किया अपने ऊपर या उसको भी मर्दों की तरफ से सोसाइटी की तरफ से ये की की जो तरफ जो से मैं वाला प्रेशर बताती हूँ कहानी है तो बड़े बड़े मजे की है ना कि ये जो उसने इतने बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं तुम्हारे कान क्यों नीचे दे हुए इसके कान छिदे हुए मेरे कान छिदे हुए मैंने ये क्यों पहनी हुई है ठीक है मेरे पैर में पाजेब क्यों होता है मेरे गले के अंदर ये क्यों चीज़ है ये कहाँ से आया सारी ज्वेलरी कंस्ट्रक्टेड नहीं कैसे? जैसे कल्चर में आ रही है चीज से, से आ रही? चल रही है लोगों से आ रही है नहीं उसके अप्रे, कौन कर रहा उसको तो ये ये? से है तुम्हें पता है ये सारी चीजें ये वो जंजीरें हैं औरत प्रॉपर्टी बनी औरत जमीन थी एक औरत नहीं चाहिए दस चाहिए क्योंकि दस औरत के अंदर जब सीट जाएगा तो पचास बच्चे होंगे उससे वो पचास बच्चे पूरी एक फोर्स है तो अगर मुझे सौ मुरबा ज़मीन चाहिए तो मुझे सौ औरतें भी चाहिए अब उन सौ औरतों को कंट्रोल करना है ना मैंने तो उनको मैंने डाली ये खूबसूरत सो पहले तो मैंने डाली वैसी जनजीरे फिर मैंने डाली सोने वाली और मैंने कहा तुम कितनी हसीन लग रही हो तुम्हारे गले में जो ये तौक है तुम्हारे नाक के अंदर जो नकेल है तुम्हारे हाथ में जो ये कड़ा है तुम्हारे पैर की जो पाजेब है ये तुम्हारा जेवर है तुम इससे खूबसूरत लगती हो

कहाँ बात गई आगे अब एक औरत के पास अब ये झुमके पहन के आई ये इसके सूट के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके साथ अच्छे लग रहे हैं ये इसलिए इसलिए नहीं पहने कि इसने अपने मियाँ को दिखाना है या अप्रूवल लेना है शी फील्स गुड अबाउट इट सो तो अगर आप उस लेवल ऑफ एम्पावरमेंट पर आ जाते हैं तो फिर आप कुछ भी करें आप कुछ भी वो करें लेकिन हाँ अलबत् अगर आपने मैंने सोना पहनना है क्योंकि मैं सोने से काबू करना है यहाँ भी एक औरत की भी वो चल रही है ना उसने समझ लिया कि अब वो अब उसने सोना पहनना है और वो उसने अपने जेवरों के जरिए काबू करना है मटीरियली भी काबू करना है इमोशनली भी काबू करना है सड्यूस भी करना है तो वो तो एक और कहानी है ना वो तो फिर इंडिविजुअल पे चली गई सारी बात uh, मैडम ये लेक्चर के दौरान शायद मैंने गलत समझाओ ये बुद्धिज्म के बारे में आपने कहा

जो है वो नेचर से आ रहे हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ठीक है वो उनका बिल्ट क्यूँ है तो वो उनका है ही प्रेमस ही यही है जिसमें एलिमेंट्स भी आ जाते हैं वो कायनात को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं जो बाकी रिलिजन्स हैं उनके अंदर भी अर्थ की अप्रीसीशन है आसमान की ज़मीन की बारिश की नेचर की अप्रीसीशन है क्योंकि उन्होंने भी एक्नॉलेज तो ज़रूर किया ना कि आ, फ़सल को के लिए ज़मीन भी चाहिए पानी भी चाहिए सूरज भी चाहिए ठीक है तो उन्होंने भी उस चीज़ को वो किया इंक्रेज किया लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फिस रहा नहीं बहुत ज़्यादा इन्फिसिस नहीं रहा बस इस हद तक रहा कि जितना आपको एक जिसको कहते हैं ना जो एक और सस्टेनेंस के लेवल का है कि एक अच्छी फसल को ग्रो करने के लिए क्या है तो बस नेचर का जैसे कनेक्शन और बस जो कायनात को एक्सप्लोर करना है वो उनके अंदर मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट देन इट्स ओके इट्स इट्स एज लॉन्ग एज क्योंकि हम इरतका के बहुत से मरल तय करके पहुँचे ना ये दो तीन रिलीजन बहुत पुराने हैं कई हज़ार साल पुराने हैं जो बाकी रिलीजनज़ हैं वो रिसेंट आए हैं तो इरतका के लिहाज से चीज़ें जब इरतका का वो लेवल है कि अब आप केव मैन नहीं हैं अब आप वहाँ से निकल आए हैं अब आपको पता है कि आपने फसल कैसे वो करनी है वो क्या है सारा तो वो ज़ाहिर है बहुत सारी वो इन्फिस उस अंदाज़ में रह भी नहीं पाता तो इट्स ओके आई थिंक हम yeah, मेरे ख्याल में प्रोग्राम को वाइंड करते हैं लेकिन इसमें ये जो आपकी बात है इस आ, क, लेकिन हमें अपनी कल्चरल जो रूट्स हैं उसके साथ तो कनेक्ट रहना चाहिए कल्चर तो कल्चर आता ही सोइल से है कल्चर जो आता है वो सोइल से आता है वी ऑल नो दैट और हम कल्चर कभी बदलता नहीं है रिलिजन आपकी चॉइस होती है ना लोगों की चॉइस है आपने कोई भी रिलीजन ठीक है कि आप एक ख़ानदान में पैदा हुए जो एक ख़ास रिलीजन वो कर रहा है तो आपकी choice, मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस यही कि आप उसी को लेके चलेंगे आप कन्वर्ट नहीं होंगे लेकिन कल्चर तो आप छोड़ भी नहीं सकते कल्चर तो आपके खून के अंदर शामिल है अच्छा अब आपके फाइनल रिमार्क्स में जाऊंगी कि आप क्या एडवाइस करेंगी कि हम किसी को किस तरह, है, 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 तरह, तरह से इस कनेक्शन को जो है वो रीबिल्ड करें आर, मतलब फ्रैंकली मेरे दो तीन चीज़ें मैं प्रैक्टिस करती हूँ जो मैं सब लोगों से कहती हूँ अपने रवैयों पे अपने बिहेवियर्स पे रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है ये सारा हैव और हैव नॉट की कहानियों के साथ बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आ, जो ग़लत है उसको हिम्मत से मान लेना कि यह गलत है बहुत ज़रूरत है जो सही है चाहे वो ख़त्म भी हो चुका है उसको दोबारा से ले आना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है बाकी हर कोई मैं मेरे नज़दीक हर कोई आज़ाद है अपनी ज़िंदगी को जिसको कहते हैं कुएं में फेंकने के लिए या आसमान पे प्रवास करने के लिए इट्स योर जर्नी इट्स योर लाइफ वेयर एवर यू वॉन्ट टू बट येस वी हैव मेजड अप द नेचर तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो अगर हम यही छोड़ दें कि हम कूड़ा बाहर ना फेंकें तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बातें इधर उधर काफ़ी गई हैं तो और हम उसके लिए एक नया सेशन और रखेंगे ताकि उसमें ऑडियंस जो है वो भी अपने दिल की बढ़ा निकाल सकें और हम भी निकाल सकें तो आप सबका भी शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ तो फिर दोबारा मिलते हैं थैंक यू सो मच